नमस्ते अजी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फिर से मैंने अपने सिर के बाल निकलवा लिए थे और अब थोड़े थोड़े आने भी शुरू हो गए, यानी कि साधना कल फिर से मेरी पूरी हुई है और फिर से मैं रेगुलर वीडियोस में दिखूँगा, आपकी क्लासेस भी लूँगा और इंस्टाग्राम सारे शॉर्ट वीडियोज जो मेरे रेगुलर आया करते थे अब आएंगे और अब आप कनेक्ट रह पाएंगे मुझसे। जो लोग वेट कर रहे थे अपॉइंटमेंट लेकर के या मुझसे बात करना चाहते थे, सबके लिए अब मैं वापस आ गया हूँ और अगले गणेश चतुर्थी के बाद तक, नवरात्रि आने तक मैं उपलब्ध हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं पांच तत्वों के संग्रहण के बारे में। पंच महाभूतों को संग्रहित करना और संग्रहित करके अपने साथ रखना एक हीलर के लिए बहुत ज़रूरी काम है। यानी कि जब भी आप एक योगी के रूप में जीवन यापन करते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप अध्यात्म को प्राप्त होते हैं, आप जीवन को सहज रूप से देखना शुरू करते हैं, जब भी आप दृष्टा भाव में आते हैं, जब भी एज अ वॉचर खड़े हो जाते हैं, जब भी आप समभाव में आते हैं, तब आपको कुछ शक्तियों की आवश्यकता होती है और वो शक्ति आपको प्राप्त होती है पंच महाभूतों से, फाइव एलिमेंट्स से। तो आज हम फाइव एलिमेंट्स को समझेंगे। ध्यान रहे कि ये एक वीडियो में पूरा होने वाला चीज़ नहीं है, इसके लिए कंप्लीट एक प्ले लिस्ट बनेगा जिसमें 5-6 वीडियोज़ में मैं आप लोगों को एक एक करके एक एक तत्व को डिटेल में समझाऊँगा। मैं ये समझाऊँगा कि कौन सा तत्व इस मिट्टी के शरीर में, स्थूल तत्व में, स्थूल शरीर में किन किन चीज़ों के लिए कारक बनता है, किन किन बीमारियों का कारक बनता है अधिक होने से या कम होने से, और कैसे उसे बैलेंस कर लें तो शरीर की वो तकलीफ, वो बीमारी ठीक हो जाती है। मैं सिखाऊंगा कि ये पंच तत्व, फाइव एलिमेंट, आपके आध्यात्मिक शरीर में किस तरह से काम करती है। हमारे जो प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, अभामय कोश, इन सारे शरीरों में किस तरह से वो काम करती है, कैसे इन तत्वों को अगर हम अधिक कर लें तो हम कहाँ अपनी अध्यात्म को पहुँचा सकते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक हो जाने की वजह से शरीर में कैसे कैसे तकलीफें आ सकती हैं, क्योंकि आपका आध्यात्मिक शरीर और आपका ये अन्नमय कोश दोनों अलग है। तो हम ऊर्जा को यहाँ ऊपर उठाते हैं तो कभी कभी शरीर धारण नहीं कर पाता, जैसा कि महान संत स्वामी विवेकानंद जी ने 42 साल की उम्र में करीब, जैसा कि लिखों में है 42, कोई 40 कहता है, कोई 42 कहता है, कोई 43 कहता है, कम उम्र में ही उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। शरीर त्याग करने से बहुत पहले ही उन्होंने ये बता दिया था, कह दिया था कि मेरा ये मिट्टी का शरीर मेरी उस ऊर्जा को अब बहुत लंबे समय तक नहीं सह पाएगा, नहीं झेल पाएगा, तो ये शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। तो ऊर्जाओं को उन्होंने धारण किया, महान ख्याति प्राप्त की, इस संसार को बहुत सारी चीज़ें दी, युवाओं को बहुत सारे उपदेश दिए, उनके लिखे हुए लेख, उनके सिखाई हुई तकनीक आज भी हमारे काम आ रही है, लेकिन उन्होंने इन सब के बदले अपना शरीर छोड़ा, शरीर को का त्याग करना पड़ा उन्हें। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ छोड़ना है या नहीं छोड़ना, या उन्होंने गलत किया या सही किया, ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे ऊर्जाओं को किस तरीके से अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, धारण करते हैं, और उसकी वजह से शरीर में कभी कभी तकलीफें होती हैं तो उससे हम कैसे कॉप अप करते हैं, ऊर्जा के स्तर को कहाँ तक बढ़ने देना है और कहाँ से वापस ले आना है, कैसे हमें अपने आप को संभाले रखना है, कैसे हमें अपने आप को बनाए रखना है, इस शरीर को मजबूत बनाए रखना सीखना भी है। और हम जब किसी और को हील कर रहे हैं तो अपनी कुछ मुद्राओं के ज़रिए, अपनी फाइव एलिमेंट की मुद्राओं के ज़रिए हमारी ऊर्जा को बैलेंस करना है, ताकि हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ भी रहे और वो बैलेंस भी रहे, हमारा शरीर मजबूत रहे उन ऊर्जाओं को धारण करने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि समय के साथ और महागुरु आए और सदैव गुरु आए जिन्होंने ये सिखाया कि कैसे हायर एनर्जी को कैरी करते हुए हम अपने फिजिक को मेंटेन करके रख सकते हैं, यानी कि हमारे स्थूल शरीर को किस तरह से ऐसे मजबूत कर लें कि उस हायर एनर्जी को वो धारण करके रख सके।
लेकिन ये सभी साधना का विषय है। सबसे पहले इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, बाद में आप इसकी साधना करेंगे और इन चीज़ों को धारण करेंगे। तो बिकम अ गुड हीलर, एक अच्छे योगी बनने के लिए, एक अच्छे हीलर बनने के लिए अपने जीवन में जो आप करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, अपने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं, अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने विचारों के स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आपको इस पंच महाभूतों की हीलिंग टेक्निक को सीखनी चाहिए। इसके लिए कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें ये पूरा ज्ञान आपको बिल्कुल मुफ्त आपके लिए होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिखाते हैं, जिसके लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज देना होता है, कभी कभी सीधे कैश दे करके एनर्जी एक्सचेंज देते हैं, लेकिन इस ज्ञान के लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज में मुझे कुछ नहीं देना होगा, आपको दान करना होगा। लेकिन इस ज्ञान के लिए आपको मुझे कोई एनर्जी एक्सचेंज देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हर चीज़ के लिए एनर्जी एक्सचेंज देना होता है, इसलिए आप मुझे ना दे करके इसके लिए आप दान करेंगे। इस ज्ञान को आप ग्रहण करेंगे और गाय को, कुत्तों को, चींटियों को, गरीबों को, किसी अनाथालय में बच्चों को कुछ भी ऐसा खिला करके दान करें जिससे इस पूरे ज्ञान का एनर्जी एक्सचेंज पूरा होगा। ये ज्ञान बहुत गहरा ज्ञान है, जिन्हें समझ में आ गया, जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, वो बहुत ऊँचे उठ जाएंगे, और जो नहीं कर पाए वो अगले ज्ञान की यात्रा के लिए आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हर ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता, भले ही वो रखा ही क्यों ना हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके घर के पीछे एक छोटा सा तालाब, उसके आसपास बहुत सारे पौधे हो गए हैं, उसमें एक औषधि का पौधा है, लेकिन आपको उस औषधि की ज़रूरत नहीं है, आपको उस औषधि का कोई काम नहीं है, तो वो औषधि आपके किसी काम आ भी नहीं रही, आपको पता भी नहीं है कि वो औषधि है, आपने देखा हो और आप चले गए। लेकिन वही कहीं 200 किलोमीटर दूर कोई इंसान है जिसको उसी औषधि की ज़रूरत है, वो खोजता हुआ उसे आएगा, उसे लेगा और ग्रहण करेगा, तो वो उसके लिए बहुत कीमती हो सकती है। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि इस पूरे सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ऊर्जाओं का कुछ अन्य नियम समझ में आएगा। क्योंकि ऊर्जाओं को हमने इन्हें 5 एलिमेंट्स में बांट करके समझा है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 एलिमेंट्स के साथ हम एक छठे एलिमेंट्स को भी समझेंगे, छठा महाभूत जिसे बोलते हैं शून्य। शून्य से ही 5 एलिमेंट हैं, या 5 एलिमेंट्स के बाद शून्य है, मतलब आकाश मुद्रा के बाद जो आता है वो है शून्य, कुछ नहीं, नथिंग। क्योंकि हम योग में द आर्ट ऑफ नथिंग को सीखते हैं, हम कुछ नहीं को सीखते हैं, कभी कभी हम डूइंग नथिंग को सीखते हैं। तो ये हमें सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम हीलिंग साइंस को समझना चाहते हैं, हम ऑकल्ट साइंस को समझना चाहते हैं। हो सकता है आगे जाकर के आपको वास्तु सीखना हो सकता है आगे जाकर के आपको ज्योतिष सीखना हो सकता है आपको आगे चल करके नए नए विधाओं को ग्रहण करना हो, नई नई विधाओं को समझना है, सीखना है, बहुत सारे लोगों की मदद करना है, चाहे वो ब्लैक मैजिक से बाहर निकलने के लिए हो, चाहे नज़र से बाहर निकलने के लिए हो, चाहे वासुदेशों से बाहर निकलने के लिए हो, तो उस समय आपको सभी एलिमेंट्स को समझना आना चाहिए, और ये पूरा कोर्स आपके बहुत काम आएगा। तो आशा करता हूँ ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इस पूरे कोर्स को हम एंजॉय करेंगे साथ मिल करके, और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मिलते हैं इसके बाद पहले वीडियो पे, जिसमें हम वायु मुद्रा को समझेंगे, वायु तत्व को समझेंगे। नमस्ते जी।